अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने कुछ कीवर्ड्स फाइंड आउट किए थे। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरह से उन कीवर्ड्स को यूज़ करते हुए हम एक SEO ऑप्टिमाइज्ड गिग बनाएंगे और उसको पब्लिश करेंगे। तो चले चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि किस तरह से आप एक SEO ऑप्टिमाइज्ड गिग बना सकते हैं। राइट, ये वाले कीवर्ड्स थे हमारे पास जो हमने चूज किए थे और इसके अंदर ये हमारा मेन कीवर्ड था। अब यहाँ पे बिफोर स्टार्टिंग अ गिग हमें ये बात ध्यान में रखनी है कि जो हमारा मेन कीवर्ड है उसको हमने हर जगह यूज करना है, अपने गिग के अंदर, अपने टाइटल के अंदर, डिस्क्रिप्शन के अंदर। मतलब इसको इम्पोर्टेंस देनी है कि फाइवर को पता लगे कि ये वाला जो कीवर्ड है ये इस बंदे का मेन कीवर्ड है। राइट, तो चले चलते हैं लैपटॉप फाइवर के ऊपर और यहाँ पे देखते हैं। हम चलते हैं सिंपल प्रोफाइल के अंदर और प्रोफाइल के अंदर जाने के बाद हमारे पास दो सेक्शंस थे जो मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। एक लेफ्ट साइड वाला जिसकी हमने प्रॉपर सेटिंग कर चुके थे, अपना टाइटल, डिस्क्रिप्शन, सारी चीज़ें यहाँ पे डाल चुके थे। अब आ जाती है बारी ये गिग्स की और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे क्रिएट अ न्यू गिग और इस पर क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पे सिंपल ये गिग टाइटल आएगा, कैटेगरी आएगी और ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे टाइप करनी है। अब यहाँ पे आई विल ऑलरेडी लिखा हुआ है तो हमने क्या करना है, इस गिग के ऊपर अपना कीवर्ड यूज करेंगे। राइट, हमने सबसे पहले अपना मेन कीवर्ड उठाना और यहाँ पे यूज करना है आई विल डू वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइन एंड डेवलपमेंट और वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइन, या हम यहाँ पे लिख सकते हैं और वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट। अब यहाँ पे हमने क्या किया, अपना मेन कीवर्ड भी टारगेट कर दिया, ये हमारा मेन कीवर्ड था और इसके साथ और लगा के हमने एक और कीवर्ड भी टारगेट कर दिया जो हमें सपोर्ट करेगा रैंक होने में। हो सकता है इसके ऊपर हमें रैंकिंग मिल जाए, हो सकता है इसी के ऊपर हमें रैंकिंग मिल जाए और यहाँ पे हमारे चांसेस ज़्यादा हो जाए। हो सकता है इनिशियली हमारा गिग जो है वो इसके ऊपर रैंक हो जाए और इसके ऊपर रैंक होने की वजह से इस मेन कीवर्ड के ऊपर भी रैंक हो जाए। हो सकता है मेन कीवर्ड पर रैंक होने के बाद हमारा कीवर्ड ऑटोमेटिकली इस कीवर्ड के ऊपर भी रैंक हो जाए, तो इस वजह से हमने एक सपोर्टिंग कीवर्ड भी यहाँ पर ऐड कर चुके हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट करनी होती है तो यहाँ पे मैं सिंपल कैटेगरी सेलेक्ट करता हूँ। मेरी कैटेगरी है क्योंकि मैं एक वर्डप्रेस की वेबसाइट गिग बना रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं प्रोग्रामिंग एंड टेक सब कैटेगरी में चूज़ करूँगा वर्डप्रेस। वर्डप्रेस के बाद यहाँ पे मुझे एक और सर्विस टाइप सेलेक्ट करनी है कि वर्डप्रेस के अंदर मैं किस तरह की सर्विस दे रहा हूँ, बैकअप एंड माइग्रेशन की, कस्टमाइजेशन की, बग फिक्सिंग की। तो यहाँ पे मेरी सर्विस है फुल वेबसाइट क्रिएशन। अब ये वाले ऑप्शन हर स्किल सेट के साथ डिफरेंट होंगे। राइट, अगर आप ग्राफिक की प्रोफाइल बना रहे तो ये ऑप्शंस उसके अकॉर्डिंग होंगे, डिजिटल मार्केटिंग के बना रहे हैं, राइटिंग की बना रहे हैं, तो ये ऑप्शन डिफरेंट होंगे, तो आपने अपने लिए सूटेबल ऑप्शन चूज कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास गिग मेटा डाटा है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं नॉर्मली इन सब को सिलेक्ट कर लेता हूँ कि इन सब के ऊपर सिलेक्ट द वेबसाइट टाइप यू आर स्पेशलाइज्ड इन। ऑब्वियसली आई एम अ वेबसाइट डेवलपर तो मैं इन सबको सिलेक्ट कर लूँगा। और उसके बाद यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है तो मैं इन सारे प्लगइन्स को जानता हूँ और मैं इनको यूज़ करना जानता हूँ तो मैं इन सब के ऊपर चेक कर दूँगा। आपके सामने ये ऑप्शंस डिफरेंट आ सकते हैं अकॉर्डिंग टू यूर सर्विस टाइप, तो आपने जो आपकी सर्विस होगी उस हिसाब से यहाँ पे ऑप्शंस चूज करने हैं। इसी तरह हमारे पास इंटीग्रेटिंग प्लगइन्स है तो ये सारे प्लगइन्स मैं इंटीग्रेट कर सकता हूँ, तो मैं इन सबको सिलेक्ट कर दूंगा। अपनी सर्विस टाइप के मुताबिक मुझे ये सारी आते हैं तो मैं इन सबको चेक कर दूंगा। राइट, और उसके बाद हमारे पास ये सेक्शन हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास है सर्च टैग, ये हमें यहाँ पे 5 टैग्स यूज करने हैं। ऐसे टैग्स होने चाहिए जो हाईली यूजेबल हो। अब जो कीवर्ड हमने यूज किए थे फाइंड किए थे इनको भी हम एज अ टैग यूज कर सकते हैं और हम दूसरे सेलर से भी टैग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो चले हम यहाँ से ये वाला जो कीवर्ड है इसको एज अ टैग यहाँ पे यूज कर लेंगे और इसको एंटर करेंगे, एक के टैग आ गया। इसी तरह से हम यहाँ पे जो हमारा दूसरा टैग था उसको यहाँ पे क्लिक करेंगे और एड कर देंगे। तो इसका मतलब अब देखें, मेन कीवर्ड हमने टाइटल में यूज किया, अब ये वाले जो कीवर्ड है ये हम सपोर्टिंग कीवर्ड यूज करें, इस तरह से टैग्स के अंदर आगे चल के डिस्क्रिप्शन के अंदर यूज करेंगे। तो मैं इनको भी यूज कर दूंगा। वहां पे हमारे पास एक कीवर्ड आ रहा था वर्डप्रेस प्लगइन, और इसी तरह से अगर आपके पास आपको
ऐसे कीवर्ड, मतलब आप कहीं और से भी कीवर्ड यूज कर सकते हैं। मैं अगर लेट्स सपोज एक नया टैब ओपन कर लूँ और अपनी ही लेट्स से मैं वर्डप्रेस और ये कीवर्ड सर्च करूँ और इसके अंदर जो गिग्स आ रहे हैं, क्या कर सकता हूँ मैं, लेट्स से ये वाला गिग हमारे पास जो हम चूज कर रहे थे, लेट्स से ये वाला गिग है, तो इसको मैं ओपन करके इसके टैग्स भी कॉपी कर सकता हूँ। मैं नीचे आ जाता हूँ बिल्कुल स्क्रॉल डाउन और यहाँ पे देखता हूँ इसने कौन कौन से कीवर्ड यूज़ किए हुए हैं। तो वर्डप्रेस डेवलपर, ये मैं कीवर्ड यहाँ से क्या कर सकता हूँ, कॉपी कर सकता हूँ। तो इस वजह से, इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अपने कंपेटिटर्स या उसी कीवर्ड के ऊपर जो लोग बैठे हैं ऑलरेडी, उनके जो टैग्स हैं उनको भी यूज़ कर सकते हैं। ऑब्वियसली बात है, उन टैग्स की वजह से वो भी रैंक में आ रहे हैं, तो आपके भी चांसेस हैं कि आप रैंक में आएँ और इस तरह से आप उनको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ पे चेक करूँगा और नेक्स्ट कर दूंगा। यहाँ पे लिखा हुआ है टैग लिस्ट कैन नॉट बी कंटेन विद इन 20 करेक्टर्स, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास ये टैग मेरे ख्याल से बड़ा है और यहाँ पे मैं सिंपल कोई छोटा टैग यहीं से अपने कंपेटिटर से उठा लूँगा, क्रिएट वेबसाइट, और इसको मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे ऐड कर दूँगा। आई होप अब ये यूज़ हो जाए। स्टिल ये कह रहा है कि 20 करेक्टर का एक टैग होना चाहिए, तो मैं इसको भी कट कर दूंगा और अब मैं ट्राई करता हूँ इसको भी कट कर दूंगा। अब मेरे ख्याल से मुझे यहाँ इसी की हेल्प लेनी पड़ेगी। मैं यहाँ से इसको सिंपल वर्डप्रेस लिखता हूँ और लेट्स से यहाँ से भी मैं चूज़ कर सकता हूँ वर्डप्रेस डेवलपर। मैं ऑलरेडी यहाँ पे इसको मैं यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन ये ऑलरेडी मैं यूज़ कर चुका हूँ। मैं यहाँ पे अगेन लिखूँगा वर्डप्रेस और यहाँ पे मैं वर्डप्रेस ब्लॉग्स यूज़ कर सकता हूँ या सिंपल वेबसाइट लिखूँगा। तो यहाँ पे देखें बिजनेस वेबसाइट, ओके, ये मेरे पास टैग हो गया। अब मैं इसको सिंपल सेव एंड नेक्स्ट कर दूँगा। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा प्राइसिंग का, ओके। तो प्राइसिंग के अंदर हमने डिफरेंट, हमारे पास पैकेजेस होते हैं। अगर आप डिफरेंट पैकेजेस नहीं रखना चाह रहे, सिर्फ एक ही प्राइसिंग रखना चाह रहे हैं, तो आप इसको ऑफ करेंगे और सिर्फ इसी को आप फिल कर देंगे कि आपका, आप $100 चार्ज करते हैं वेबसाइट के लिए। अगर आप डिफरेंट तरह की पैकेजेस ऐड करना चाह रहे हैं, तो आप इसको यहाँ से ऑन करेंगे और यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी से तीन जो है वो पैकेजेस का नाम रख लेता हूँ। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे बेसिक लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं स्टैंडर्ड लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रीमियम, प्रीमियम। तो यहाँ पे मैंने अपने जो मेरे पैकेजेस के नाम है वो मैं लिख चुका हूँ। अब मैं ये ऑफर करना चाह रहा हूँ, देखना चाह रहा हूँ कि इसके अंदर मैं क्या क्या दूंगा। अब इस बेसिक, अब ये वाले जो ऑप्शन है आपकी सर्विस के मुताबिक डिफरेंट होंगे और आपको आपकी प्राइसिंग्स का पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता कि आपकी प्राइसिंग्स क्या होनी चाहिए, तो इस तरह से आप किसी कंपेटिटर का गिग खोल सकते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं उसके बेसिक के अंदर वो कितने पैसे चार्ज कर रहा है, क्या क्या चीज़ें ऑफर कर रहा है, और स्टैंडर्ड के अंदर क्या कर रहा है और प्रीमियम के अंदर क्या कर रहा है। तो अभी राइट नाउ मुझे पता है कि मैंने क्या क्या चीज़ें ऑफर करनी है, तो उनको मैं यहाँ पे लिखूंगा। बेसिक के अंदर मैं 3-page वेबसाइट प्लस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ओके, 3-page वेबसाइट प्लस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रीमियम थीम प्लस यहाँ पे लिख देता हूँ मैं प्रीमियम थीम और यहाँ पे प्रीमियम प्लगइन्स प्लगइन्स और फ्री सपोर्ट। तो यहाँ पे मैंने, मतलब बेसिक पैकेज के अंदर मैं 3 pages की वेबसाइट बना के दूंगा और ये चीज़ें उसके साथ इंक्लूड होंगी। अब मैं इसको डिफरेंट उसके अंदर डाल देता हूँ और यहाँ पे पेजेस चेंज कर दूंगा। लेट्स से मैं कहूँगा स्टैंडर्ड के अंदर 6 pages की वेबसाइट बना के दूंगा और प्रीमियम के अंदर मैं 10 pages की वेबसाइट बना के दूंगा, राइट। तो मैंने यहाँ पे डिफरेंट पैकेजेस सेट कर लिए। बेसिक का डिलीवरी टाइम मैं कितने दिन में इसको बना के दे सकता हूँ आपको, तो मैं 3 दिन रख लूँगा, ठीक है, या मैं इसको 2 दिन कर लेता हूँ और इसको मैं 3 दिन कर लूँगा स्टैंडर्ड, क्योंकि 6 pages की वेबसाइट है थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। और इसको मैं प्रीमियम जो है वो मैं मैक्स 7 days रख लेता हूँ, 7 days के अंदर मैं प्रीमियम वेबसाइट 10 pages की हर तरह की फंक्शनैलिटी के साथ बना के आपको दे दूँगा। उसके बाद यहाँ पे फंक्शनल वेबसाइट, जी हाँ, फंक्शनल वेबसाइट्स होंगी। और यहाँ पे नंबर ऑफ पेजेस मैं अगेन यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ 3, 6 and 10। और यहाँ पे डिज़ाइन कस्टमाइजेशन बेसिक पैकेज के अंदर मैं नहीं दूंगा,
प्रीमियम स्टैंडर्ड और प्रीमियम के अंदर मैं डिज़ाइन कस्टमाइज़ भी करके दूंगा, जो डिज़ाइन मैं यूज़ करूंगा बाहर की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक उसको मैं कस्टमाइज़ भी करके दूंगा। तो मैं बेसिक के अंदर भी कह देता हूं कि कस्टमाइज़ कर सकता हूं, आप पे डिपेंड करता है आपकी क्या सर्विस है और आप किस तरह से उसका क्या प्राइसिंग है। कंटेंट अपलोड, जी हाँ कंटेंट भी आपका अपलोड करके दूंगा मैं, वेबसाइट रिस्पॉन्सिव भी होगी तीनों पैकेजेस के अंदर। उसके बाद प्लगइन्स एक्सटेंशंस, यहाँ पे मैं कहूँगा दो इसके अंदर सेटअप करके दूंगा, चार, और इसके अंदर छः प्लगइन्स आपके डिज़ायर के सेटअप करके दूंगा। ई कॉमर्स फंक्शनैलिटी, ठीक है ई कॉमर्स फंक्शनैलिटी भी दूंगा सबके अंदर। नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, यहाँ पे मैं कह देता हूँ यहाँ पे एक प्रोडक्ट डाल के दूंगा, यहाँ पे दो और यहाँ पे तीन, ठीक है। और इसी तरह रिव्यूशंस, इसको मेक श्योर कि आप स्टार्टिंग के अंदर अनलिमिटेड ही रखें कि जब तक बायर सेटिस्फाई ना हो तब तक आप उसके लिए काम करेंगे। और यहाँ पे मैं प्राइसिंग रख लेता हूँ इसकी 100, और यहाँ पे मैं रख देता हूँ इसकी प्राइसिंग 200, और यहाँ पे मैं इसकी प्राइसिंग रख देता हूँ 400, राइट। तो $400 मैं चार्ज करूँगा प्रीमियम के लिए। आगे चल के यहाँ पे हमारे पास कुछ ऐड एक्स्ट्रा सर्विसेज हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे कहूँगा फास्ट डिलीवरी, मैंने यहाँ पे टाइम रखा है 2 डेज़ का। अगर मैं कहूँ कि मैं आपको यही पैकेज 1 डे के अंदर दूंगा, लेकिन उसके लिए मैं आपसे $50 एक्स्ट्रा चार्ज करूँगा, राइट। सिमिलरली स्टैंडर्ड मैंने कहा था कि 3 दिन के अंदर दूंगा, उसको मैं आपको 2 दिन के अंदर दे दूंगा, इसके अंदर भी मैं $50 एक्स्ट्रा चार्ज करूँगा। और सिमिलरली मैं कहूँगा जो प्रीमियम वेबसाइट थी उसके अंदर मैंने डिफाइन किया था कि 7 डेज़ में मैं कंप्लीट करके दूंगा, और मैं कहता हूँ मैं 4 डेज़ में कंप्लीट कर दूंगा लेकिन $50 एक्स्ट्रा चार्ज करूँगा। तो इनको हम गिग एक्स्ट्रास कहते हैं। इस तरह से एडिशनल पेजेस के आप यहाँ पे प्राइसिंग सेट कर सकते हैं एडिशनल रिविजन्स की। इसको मैं अनचेक कर दूंगा क्योंकि हमने अनलिमिटेड रिविजन्स दे चुके हैं। इसको मैं सेव एंड कंटिन्यू कर दूंगा। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा डिस्क्रिप्शन का। यहाँ पे आपने अपने गिग क्या है, अपने गिग के डिस्क्रिप्शन लिखने में ऑलरेडी यहाँ पे मैं लिख चुका हूँ। इसको मैं क्या करूँगा, कॉपी करूँगा और यहाँ पे आपको दिखाऊँगा कि उनको किस तरह से आपने क्या करना है, कॉपी करके इसको सेट करना है। लेट्स से मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखी हुई है इफ़ यू वांट अ मॉडर्न प्रोफेशनल यूनिक वर्डप्रेस वेबसाइट। अब इस कीवर्ड को मैं चेंज करूँगा अपने कीवर्ड से, जो मैंने कीवर्ड हमारा मेन कीवर्ड था उसको मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। इफ़ यू वांट अ वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइन एंड डिवेलपमेंट, इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ, इटैलिक भी कर देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ सर्विसेज एंड reach your audience, you have come to the right place. We are a team of passionate WordPress website designer and developer. WordPress design and development, यहाँ पे अगेन मैंने कीवर्ड यूज़ कर दिया है, ठीक है। और यहाँ पे इस तरह से मैंने बताया था कि जो सपोर्टिंग कीवर्ड्स हैं इनको आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं इसको यूज़ कर लूँ अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर, वी कैन हेल्प यू टू बिल्ड ब्यूटिफुल मॉडर्न यूनिक वेबसाइट्स नो मैटर इट्स बिजनेस वेबसाइट और वर्डप्रेस ई कॉमर्स वेबसाइट इन नो टाइम एग्जैक्टली। तो यहाँ पे मैं अगेन अपना कीवर्ड जो है वो यूज़ कर चुका हूँ, इसको मैं हाईलाइट भी कर सकता हूँ या यहाँ से मैं इसको अगेन इटैलिक कर दूंगा, ठीक है। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे अपनी सर्विसेज मेंशन की कि ये वाली मेरी सर्विसेज हैं। मैंने यहाँ पे रीज़न मेंशन की है कि मुझे चूज़ आपको क्यों करना चाहिए, ठीक है, ये मेरी खसूसियात हैं। और यहाँ पे मैंने बता दिया कि आप मुझे कांटेक्ट करें बिफोर स्टार्टिंग, राइट। तो मैंने यहाँ पे बेसिक डिस्क्रिप्शन लिख दी। इस तरह से आपने भी अपनी डिस्क्रिप्शन लिखनी, आपको नहीं पता किस तरह से लिखते हैं अपनी निश के अंदर, तो आप क्या कर सकते हैं अपने कंपेटिटर का गिग देख सकते हैं और उसकी डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं कि उसने किस तरह से लिखी है। उसके बाद सिंपल यहाँ पे FAQs है, ऐसे क्वेश्चंस आप डाल सकते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन डालता हूँ, विल यू प्रोवाइड डोमेन एंड होस्टिंग, यस आई कैन प्रोवाइड बट आई हैव टू, लिखता हूँ आई विल चार्ज एक्स्ट्रा मनी फॉर दैट, ठीक है। तो इस तरह से जो क्वेश्चन जो जनरल FAQs हैं वो आप इस तरह से ऐड कर सकते हैं। मैंने एक ही ऐड कर दिया, सिंपल नेक्स्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कि वेबसाइट का वर्ड मैंने बहुत बार यूज़ किया है, तो मैं यहाँ से इस तरह से इसको अंदर स्पेस दे दूँगा वेबसाइट, ठीक है, और इसी तरह से अगेन इसको यूज़ करूँगा। अब मैं इसको नेक्स्ट करके देखता हूँ,
ओके तो ये हो चुका है। अब हम आ चुके हैं नेक्स्ट यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स। अब यहाँ पे वो रिक्वायरमेंट्स आपने क्लाइंट को बतानी है कि मुझे काम स्टार्ट करने के लिए ये चीज़ें चाहिए अपने निश के मुताबिक। लेट्स से अब मैंने वेबसाइट बनानी है, तो मुझे चाहिए क्लाइंट से डोमेन एंड होस्टिंग लॉगिन डिटेल्स, और यहाँ पे ब्रैकेट्स में मैं लिख दूंगा इफ यू डोंट हैव वन फील फ्री टू टेल मी आई विल गाइड हाउ टू गेट अ डोमेन एंड होस्टिंग। ठीक है, तो यही चीज़ें मुझे चाहिए होती हैं, तो मैं इसको सिंपल ऐड कर दूंगा और नेक्स्ट कर दूंगा। तो यहाँ तक हमने अपना गिग जो है वो सक्सेसफुली क्रिएट कर चुके हैं। अब यहाँ पे हमें गिग का थंबनेल बनाना है, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। आई होप अभी तक आपको समझ आई होगी कि मैंने किस तरह से गिग क्रिएट किया, टाइटल, डिस्क्रिप्शन और उन कीवर्ड्स को यूज़ किया जो कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर निकाले थे, फाइंड आउट किए थे। वो अच्छे कीवर्ड्स, SEO के रेलिवेंट कीवर्ड, उनको हमने यूज़ किया और यहाँ तक हम अपना गिग बना चुके हैं। अभी बारी है यहाँ पे हमें अपना थंबनेल यूज़ करने की। जिस तरह से इसने अपना जो फ्रंट पेज पे जो फ्रंट थंबनेल है वो इस तरह से ये यूज़ किया हुआ है, या बाकी लोगों, अगर आप बाकी लोग देखेंगे कि बाकी लोगों ने अपना थंबनेल जिस तरह से इन्होंने ये बनाया हुआ है, ये बनाया हुआ है, ये बनाया हुआ है, तो ये किस तरह से इस तरह की इमेज हम बनाएंगे और उसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। आई होप आपको समझ आई होगी, मैंने डिटेल के अंदर आपको गाइड किया। वीडियो थोड़ी लेंथी थी लेकिन डिटेल के अंदर मैंने आपको गाइड किया एक एक चीज़ के किस तरह से आपने गिग बनाना है, राइट। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एक थंबनेल बनाएंगे और थंबनेल बनाने के बाद अपना गिग को सक्सेसफुली पब्लिश करेंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टू कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।